नोएडा में अवैध शराब की सप्लाई। नोएडा पुलिस को मुखबिर के जरिए अवैध शराब के सप्लाई की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेटिंग चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान गाड़ी में 50 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। वहीं गाड़ी से शराब ले जा रहे दो लोग मौके से फरार हो गए। हमारी पुलिस टीम ने चेकिंग शुरू की तो एक जायलो गाड़ी ऊपर से बहुत स्पीड से आई, जिसे रोकने का प्रयास किया तो उसने रोकी नहीं और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद गाड़ी पलट गई, पलटने पर उसमें ड्राइवर निकल के भाग गया। हम लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो उसमें करीब 50 पेटी शराब थी, जिसमें से 22 पेटी साबुत निकली और 28 पेटी टूट गई शराब की। गाड़ी का नंबर UP 14 CT 1957 है। ये शिव कुमार के नाम से जागृति बिहार गाजियाबाद सेक्टर 30 की है। आपको बता दें कि ये अवैध शराब हरियाणा से नोएडा लाई जा रही थी, जिसके बाद मौके पर मिली शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। नोएडा से करुणा ठाकुर के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।